नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं सुरीली आवाज़ के जादूगर मेलोडी किंग, इंडियन प्लेबैक सिंगर मोहम्मद अजीज साहब और बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध अभिनेता कमल सदाना जी का। और आज है कमल सदाना जी का जन्मदिन, तो आज हम लोग कमल सदाना जी के जन्मदिन स्पेशल में हमारे हर दिल अजीज मोहम्मद अजीज साहब और कमल सदाना जी के फिल्मों के गीतों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, पहले मैं आप लोगों को कमल सदाना जी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, फिर उसके बाद आखिर वो कौन सी फिल्म है जिनमें मोहम्मद अजीज साहब ने कमल सदाना जी के लिए अपनी आवाज़ दिया था, इसके बारे में बात करेंगे। कमल सदाना जी का जन्म 21 अक्टूबर 1971 को हुआ था। और बात करें इनकी फिल्मी करियर की, तो दोस्तों कमल सदाना जी ने 1992 की फिल्म बेखुदी से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की। और इस फिल्म के बाद रंग, फौज, इसके साथ ही रॉक डांसर, वाली उम्र को सलाम, हम सब चोर हैं, हम हैं प्रेमी और कर्कश, काली टोपी लाल रुमाल, जालसाज, इसके साथ ही 2007 की फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 में भी काम किया। जी हाँ दोस्तों, 90 के दशक में कई ऐसे हिट फिल्में दिए हैं जिन्हें हम चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। और वैसे आज देखा जाए तो कमल सदाना जी बहुत ही कम फिल्मों में काम करते हैं, और दोस्तों कुछ फिल्मों का निर्देशन भी किए हैं। 2004 की फिल्म कर्कश और 2014 की फिल्म रोर, इन दोनों फिल्मों का डायरेक्टर जी हाँ कमल सदाना जी ही हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर वो कौन सी फिल्म है जिसमें हमारे हर दिल अजीज मोहम्मद अजीज साहब ने कमल सदाना जी के लिए अपनी आवाज़ दिया था। आप लोगों को 1994 की फिल्म वाली उम्र को सलाम तो याद ही होगा। और इस फिल्म में गीत थी, गीत के बोल हैं, तूने तूने दिल ले लिया, मैंने मैंने प्यार किया। इस गीत को क्या खूब अजीज साहब ने कमल सदाना जी के लिए अपनी आवाज़ दिया था। और इस फिल्म का संगीत बप्पी लहरी साहब ने दिया और लिरिक्स नवाब आरजू साहब ने दिया है। और यह गीत 90 के दशक में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुई थी दोस्तों, आप लोगों को पता ही है। तो आइए एक झलक इस गीत की तरफ। तूने 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 दिल ले लिया, तो यही गीत है दोस्तों जिसे बहुत अपनी खूबसूरत आवाज़ में हमारे हर दिल अजीज मोहम्मद अजीज साहब ने कमल सदाना जी के लिए अपनी आवाज़ दिया था। और ये गीत जो है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लेकिन दोस्तों ये गीत जो है वो ज़्यादातर हाई क्वालिटी में नहीं मिलता है, लो क्वालिटी में जो है वो सुनने को मिलता है। और वैसे देखा जाए तो मोहम्मद अजीज साहब ने कमल सदाना जी के लिए बस एक ही फिल्म है जिसमें अपनी आवाज़ दिए हैं, और ये गीत काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुए हैं। तो दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को बाली उम्र को सलाम फिल्म का ये गीत जो है वो कैसा लगता है। मुझे पूरा उम्मीद है ये गीत जो है वो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। वैसे तो मोहम्मद अजीज साहब ने 90 के दशक के और ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं जिन लोगों को अपनी आवाज़ दिए हैं, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। क्या होता है दोस्तों, ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं जिनको एक दो फिल्मों में अपनी आवाज़ दिए रहते हैं, तो ज़्यादातर लोग जो है वो नहीं जानते हैं। कुछ ऐसा ही है कमल सदाना जी। मोहम्मद अजीज साहब ने कमल सदाना जी के लिए बस एक ही फिल्म में अपनी आवाज़ दिया है, इसीलिए ज़्यादातर लोग जो है वो नहीं जानते हैं कि मोहम्मद अजीज साहब ने कमल सदाना जी के लिए भी अपनी आवाज़ दिया था। तो यह जानकारी आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज है कमल सदाना जी का जन्मदिन, तो हम लोगों की तरफ से कमल सदाना जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और आप जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो आज हम लोगों ने बात की बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गायक मोहम्मद अजीज साहब और बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध अभिनेता कमल सदाना जी का। तो और इसी तरह के जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।